अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे पल्ली पकौड़ियाँ जो दही भल्लों में डलती हैं और रमज़ान के लिए बना के, रमज़ान स्पेशल है, रमज़ान के लिए बना के रखेंगे। और ये हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, तीन कप बेसन, इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच जीरा है और आधी चम्मच अजवाइन है, ठीक है जनाब। इसको हम इसमें डाल देंगे, ये है, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच नींबू, और इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे। ये देखिए, मिक्स करेंगे अच्छे से, तकरीबन हमने आधा कप पानी डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, अभी हम थोड़ी देर इसको रखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इसको बीट करेंगे ताकि इसके सारे लम्स निकल जाएं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पैन है, इसमें नींबू डालेंगे, हमारा ऑयल तकरीबन इतना ऑयल डल जाएगा इसके अंदर, तो हम इससे बनाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ, जिसे हम लेके इसके ऊपर लगा लेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है बना। हम आपको दो तरीकों से दिखाएंगे, एक ये है और एक ये है हमारे पास जो स्टीमर चिकन वगैरह या बढ़िया वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इससे भी हम आपको दिखाएंगे। बेसन ये देख लीजिए, इस हिसाब से होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो, बिल्कुल बारीक बूंदी बनेगी फिर और सही नहीं बनेगी, ऐसा होना चाहिए। नहीं हो गया बात, अभी हमारा ठंडा बिल्कुल, ऑयल हमने फुल गर्म रखना है, हीट हमने सेम रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि ये जल्दी जल्दी बनती जाएंगी और निकलती जाएंगी। ठीक है, चलो चलते हैं बनाने की तरफ। ये देखिए, आप इसे चम्मच से भी बना सकते हैं और इसको जनाब हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ऑयल ऐसा हो, ये देखिए साथ के साथ बन के ऊपर आ रही है।
सब जुड़ेंगे नहीं, ये सब हो जाएंगे। ये देखिए अभी हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, अभी हमें इनको ऐसे बनाते जाना और निकालते जाना। ये देख लीजिए, इस जो हमने ये लिया था इसके सुराख थोड़े छोटे हैं, लेकिन बूंदी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के निकली है। अब हम आपको इससे बना के दिखाते हैं। देखिए इसके सुराख बड़े, इसकी में आपको जरा थोड़ी चेंज नजर आएगा। आपकी चॉइस है, आप इसमें बनाएं या उसमें बनाएं। ये देखिए इसमें थोड़ी मोटी है, बस हम इस तरीके से इनको इस पोजीशन है जो भी आप कहने इसको वैसे निकालने, ज्यादा लॉन्ग नहीं करने। अभी हम बनाते जाएंगे और फिर
बिल्कुल बाजार जैसी नहीं, बाजार से भी ज्यादा टेस्टी बनेंगी। और ये आप इसको 3 से 4 माह तक सेफ रख सकते हैं। सारी ऐसे ही निकालनी, ये देखिए जनाब, सारी ऐसे निकालनी और फिर इन्हें दोबारा से बनानी, दोबारा से डालते जाएंगे। अब हम इनको इस हद तक पकाएंगे ताकि इसमें अंदर नमी ना हो और ये अच्छी बन जाए, सफेद इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इनको चलाना है, रोक के नहीं बैठ जाए, ऐसे साफ साफ चलाते जाना। जो हमने पहले बनाई है ये देखिए, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। लेकिन अभी हम इनको दोबारा से पका के सही ये हालत में देंगे। 3 से 4 माह तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बस ये चाहे आप सब्जियों को एक जगह इकट्ठे ही रखें जार में बंद करके, चाहे सेपरेट करके, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इकट्ठी हैं तो उनमें गीले हाथ मत लीजिए या गीले बर्तन से या चम्मच से मत निकालना। आपको आवाज आ रही होगी इनको पकने की, जब हल्की हो गई है तो ये देखिए सारी ऊपर आ गई है। इनका कलर भी चेंज होगा और इसमें हमने कोई कलर कुछ भी नहीं डाला है, खुद ब खुद वैसे ही आ जाएंगे बनके। ठंडी होंगी इनका कलर और डार्क हो जाएगा।
ये देखो अंदर से बिल्कुल पक गई है। जब हम इनको दोबारा पकाते हैं तो ये पहले से सिमट जाती हैं और फिर जब हम इनको बनाएंगे पानी में डालेंगे ये फिर अपनी पहले वाली हालत में आ जाएंगी। देखिए जनाब ये बन के रेडी हो गई है, इस तरह की बन जाएंगी। ये देखें ये क्या अलग अलग है, ये देखें और इसको तोड़ के भी दिखाएं इसमें, ये देखें तो लाइए इनको। घर में थोड़े से बेसन से ज्यादा बन जाती हैं ये हमने जो छोटी डाली है बड़े में डाली है, ये देखें बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। बनाइए हेल्थी, खाइए हेल्थी और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।